एवरीवन, माय नेम इज वैशाली शर्मा एंड आज मैं आपको क्लास 11th बायो का चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड का पार्ट 2 कराने जा रही हूँ। पार्ट 1 में हमने कॉमन फीचर्स पढ़े थे लिविंग बींग्स के, मतलब कि किस तरीके से क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, डेड बॉडीज के साथ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर का बेसिक हमने पार्ट 1 में कवर किया था। अगर किसी ने नहीं देखा है और वो ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज पार्ट 1 को जरूर देखिए। आज हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं जिसमें हमारा पहला टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी को ना बायोफर्केट करो, टर्म्स को डिवाइड करना सीखो। जैसे जितने भी टर्म्स होती हैं बायो में, कोई भी टर्म है, कोई भी वर्ड है, कोई भी टर्मिनोलॉजी है, तो उसमें क्या होता है, अगर तुम उनको डिवाइड करके याद करोगे उनका मीनिंग, तो वो इजी वे होता है बायो में याद करने का। तो अब हम पढ़ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें देखो, इनको इसको तोड़ो, अगर हम इसको यहां से तोड़ दें बायोडाइवर्सिटी को, तो बायो मीन्स होता है लिविंग। बायो मीन्स मतलब क्या होता है, लिविंग होता है। वही डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स या वेरिएशन, वेरिएशन इन डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स। ओके, सो बायोडाइवर्सिटी को जब हमने बायोफर्केट किया, डिवाइड किया, तब बायो का मतलब था लिविंग, डाइवर्सिटी का मतलब था डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स। तो क्या होता है, ओके, सो ये डाइवर्सिटी ना सिर्फ डिफरेंस याद करके, व्हाट इज डाइवर्सिटी, डिफरेंस। तो पूरे का मीनिंग क्या हो गया, इस पूरे बायोडाइवर्सिटी का मतलब हो गया डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, डिफरेंट लाइफ फॉर्म, समझ में आया। बायो का मतलब लिविंग और डाइवर्सिटी का मतलब डिफरेंस। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया, डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स। आगे हम बढ़ते हैं, तो देखिए समझिए, देयर इज फाउंड अ वाइड वेराइटी ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द अर्थ, दिस अकरेंस ऑफ वाइड रेंज ऑफ लिविंग बींग्स रिप्रेजेंट्स बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, हमारे अर्थ पे आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं कि बहुत सारी डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स होती हैं। चाहे प्लांट्स में देख लो, अलग अलग है, कैक्टस होता है, रोज प्लांट होता है, अलग अलग वेरिएशंस हैं, अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स हैं प्लांट्स की। ऐसे ही एनिमल्स की, ह्यूमंस हैं, लायन है, मैमल्स हैं, अलग अलग। ठीक है, तो वाटर बॉडीज में भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग फॉर्म्स होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन। तो क्या होता है, हमारे अर्थ पे बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारी डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स है। तो उनको स्टडी करने का प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब वाइड वैरायटी ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द अर्थ। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब वाइड वैरायटी ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द अर्थ। ओके, सो दिस मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, अब हमने पढ़ लिया कि बहुत सारे अर्थ में क्या है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो। अब ये जो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स है, चाहे वो एनिमल्स है, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है बाय देयर लोकल नेम, बट दीज लोकल नेम्स वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, जो हम, जैसे अब मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ, घिया, ठीक है, घिया, उसको कई जगह पे क्या बोलता है, लौकी बोला जाता है। ओके, लौकी बोलता है। अनियन का एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ठीक है, अनियन को कई जगह कांधा बोला जाता है और कई जगह प्याज बोला जाता है। तो इसी तरीके से क्या होता है, अलग अलग, मतलब हमारी अर्थ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है और सबके क्या है, सबको लोकल नेम दिया है, अलग अलग नाम है। तो क्या होता है, अब मान लो कि कोई भी, मतलब क्या हो रहा है, कहीं जा रहे हैं, मान लो हमारे यहाँ अनियन को प्याज बोला जाता है, बट हम कहीं गए वहां पे उसको कांधा बोला जाता है, तो हम उसको कैसे बताएंगे कि हम प्याज मांग रहे हैं। हम तो प्याज बोलेंगे, बट उसको तो पता ही नहीं प्याज क्या होता है, उसको तो कांधा पता है। तो इसी चीज को कंपनसेट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, मतलब हम लोगों ने साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिफिक नेम डेवलप किया, जिससे क्या होता है, वो साइंटिफिक नेम थ्रू आउट द वर्ल्ड, चाहे कहीं भी, किसी भी कंट्री में जाओ, किसी भी स्टेट में जाओ, किसी भी प्लेस पे जाओ, उस एक जो फ्रूट है, प्लांट है, एनिमल है, कुछ भी है, उसको उस साइंटिफिक नेम से जाना जाता है। तो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया अनियन का, अनियन को ना अलग, भाई मैंने बताया कि कई जगह क्या बोलता है, प्याज बोला जाता है, कई जगह कांधा बोला जाता है। ठीक है, तो अब एक जगह प्याज बोला
प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स, ये हमारे लिए जरूरी हो गया कि हम साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करें, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिफिक नेम दिया टू द ऑर्गेनिज्म दैट ईच ऑर्गेनिज्म इज रिकॉग्नाइज्ड बाय सिंगल नेम थ्रू आउट द वर्ल्ड। उसी साइंटिफिक नेम से, इस सिंगल नेम से वो ऑर्गेनिज्म थ्रू आउट द वर्ल्ड क्या जाएगा, पहचाना जाएगा। समझ में आया? तो साइंटिफिक नेम से, इसलिए तुम कहीं भी जाओगे, जैसे अगर तुम बोलोगे अनियन, ठीक है, कई लोग उसको अनियन नहीं जानते हैं, कोई लोग उसको कांदा जानते हैं, कोई लोग प्याज जानते हैं, तो तुम सिंपल वे बोल सकते हो कि क्या चाहिए, एलियम कैपा। तो ये नाम थ्रू आउट द वर्ल्ड सब जानते होंगे, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड नाम नाम बना दिया गया, ताकि जैसे हम लोग हैं, हमारे अलग अलग नाम रखते हैं घरों में, है ना, हमारे घर का नाम अलग होता है, पापा अलग नाम रखते हैं, मम्मी अलग, भाई बहनों का या बुआ का ज्यादा प्यार है तो वो भी रख देंगे, हमारी मौसी का ज्यादा प्यार है वो भी रख देगी, पर एक स्टैंडर्ड नाम हमारा रखा जाता है जो हमारी लाइफ में, जो हमारी लाइफ का एक पार्ट होता है, मतलब हमें उसी नाम से जाना जाएगा जो हमारी पहचान होती है, ठीक है। इसी तरीके से हमें इनको भी नाम देना पड़ा। अब ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई हमें किसी नाम से बुलाए, कोई हमें किसी नाम से बुलाए। अगर कोई दूसरा बंदा आ गया तो वो सोचेगा ये तो दो लोग हैं, हमारी कोई पहचान नहीं होगी, हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं होगी। तो हमें अपनी आइडेंटिटी देने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड नाम देना होता है जो हमारी लाइफ में चलता है, जो जिससे लोग हमें जानते हैं, ठीक है। हमारे घर वाले तो हमें कोई भी नाम से बुला सकते हैं। इसी तरीके से लोकल नेम अलग होता है और साइंटिफिक नेम ऐसी, ठीक है। तो इसलिए अनियन वगैरह को भी, या जो भी एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं, उनको इस नाम से जाना था, साइंटिफिक नेम से थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब इसको कहते क्या है, अब हमने पढ़ लिया कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी समझ आ गया कि जब हम बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं हमारे अर्थ पर प्रेजेंट होते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। और ये बहुत सारे हैं और सबको अलग अलग नाम दिया जाता है, तो ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम एक फ्रूट, एक एनिमल या एक प्लांट को किसी एक नाम से ही जाने, तो इसलिए हमने उनको क्या दे दिया, साइंटिफिक नेम दे दिया। अब ये साइंटिफिक नेम दे दिया, जैसे तुम्हें नाम दे देता है, जब बच्चा होता है तो नाम दे देता है, तो उसको नामकरण कहते हैं। ऐसे जब हम उनको नाम देते हैं, नाम देते हैं किसी भी स्पीशीज को, दैट इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। व्हाट इज इट कॉल्ड, नोमेनक्लेचर, ठीक है। क्या कहलाता है, नोमेनक्लेचर इज अ सिस्टम ऑफ नेमिंग अ लिविंग थिंग्स, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि नामकरण, ठीक है, नामकरण बच्चों का नामकरण रखते ना, ऐसे ही जब हम स्पीशीज का नाम देते हैं, नामकरण करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर क्या क्या होता है, वो सिस्टम जो किसी भी लिविंग थिंग को क्या करता है, नेम देता है, नेम प्रोवाइड करता है। ओके, अब आता है फॉर नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर करना है, नाम करना है। जब हम किसी स्पीशीज को नाम दे रहे हैं तो हमें उसकी करेक्ट जानकारी होनी चाहिए, करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर सही जानकारी या करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होगी तो हम उसका ढंग से नाम, उसका करेक्ट नाम हम नहीं रख पाएंगे, ठीक है। तो फॉर नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिज्म मस्ट बी डिस्क्राइब करेक्टली, बिकॉज करेक्टिव डिस्क्रिप्शन कैन मेक द नोमेनक्लेचर पॉसिबल। सिर्फ करेक्टिव डिस्क्रिप्शन ही सही नोमेनक्लेचर को करवा सकता है, सही नोमेनक्लेचर करवा सकता है। तो करेक्टिव डिस्क्रिप्शन कैन मेक द नोमेनक्लेचर पॉसिबल। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये जो प्रोसेस होता है कि हम स्पीशीज के बारे में जाने, जानकारी इकट्ठा करें, उसके बारे में सारी चीजें हमें जाने, हमें पता हो, उसके बाद हम उसको नाम दे, तो दैट इज आइडेंटिफिकेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। समझ में आया, बायोडाइवर्सिटी समझाया मैंने अभी, नोमेनक्लेचर समझाया, एंड थर्ड इज आइडेंटिफिकेशन। सिंपल वे में समझाई, बायोडाइवर्सिटी समझा दिया कि डिफरेंट डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हमारी अर्थ पे बहुत सारी हैं, इसलिए इट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद मैंने बताया नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या होता है, नाम देना, किसी भी लिविंग बींग को नाम देना, नेम प्रोवाइड करना, द सिस्टम ऑफ नेमिंग इज नोन एज नोमेनक्लेचर। उसके बाद मैंने आपको बताया आइडेंटिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नोमेनक्लेचर। अगर हम सही, मतलब किसी भी लिविंग बींग को हमें अगर नाम देना है तो हमें उसके बारे में करेक्ट
इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हम ढंग से उसका नाम नहीं दे पाएंगे, नॉमेनक्लेचर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये प्रोसेस, ये जो जानकारी इकट्ठा करने वाला प्रोसेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन। तो तीन चीजें अभी तक मैंने आपको समझाई हैं, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर क्या क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, साइंटिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया टू गिव साइंटिफिक नेम टू द ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियसली बात है, अगर हमें साइंटिफिक नेम देना है तो साइंटिस्ट को क्या फॉलो करना पड़ेगा, एक क्राइटेरिया, एक प्रिंसिपल, ठीक है, अ स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है साइंटिस्ट को साइंटिफिक नेम देने के लिए। साइंटिफिक नेम एंश्योर्स दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली अ सिंगल नेम। साइंटिफिक नेम क्या इंश्योर करता है कि एक ऑर्गेनिज्म को एक सिंगल नेम ही मिले। जैसे मैंने अभी आपको एक साइंटिफिक नेम बताया अनियन का, ठीक है, अनियन का मैंने बताया एलियम। सो ये जो नाम है, साइंटिफिक नेम है अनियन कैपा, एलियम कैपा, किसका, अनियन का, ठीक है, तो वो और किसी का नहीं होगा, वो सिर्फ अनियन का होगा। तो साइंटिफिक नेम देते टाइम, साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करते टाइम किसी भी न्यू स्पीशीज या किसी भी स्पीशीज को क्या इंश्योर करना होता है कि वो नाम किसी और स्पीशीज को पहले ना दिया गया हो, ठीक है। मतलब जैसे हम लोगों में क्या चलता है, अगर किसी एक का नाम राहुल है तो दूसरे का नाम भी राहुल है, मेरा नाम वैशाली है तो बहुत सारी वैशाली होंगी, बट साइंटिफिक नेम में ऐसा नहीं होता, ठीक है। साइंटिफिक नेम में सिर्फ एक सिंगल नेम ही एक स्पीशीज को दिया जाता है और वो नेम भी किसी और स्पीशीज को नहीं दिया जाता। सो मैंने अभी आपको बताया कि साइंटिस्ट को एक स्पेशल क्राइटेरिया प्रिंसिपल्स यानी कि स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया के हिसाब से क्या करना होता है, साइंटिफिक नेम रखना होता है। तो फॉर प्लांट्स, प्लांट्स के लिए साइंटिफिक नेम रखने के लिए, ठीक है, प्लांट्स के साइंटिफिक, प्लांट्स की नेमिंग को हम बॉटेनिकल नेम भी बोलते हैं। व्हाट इज इट कॉल्ड, ऑल्सो कॉल्ड बॉटेनिकल नेम। बॉटेनी मतलब प्लांट से रिलेटेड, पॉटनी मतलब प्लांट से रिलेटेड। तो प्लांट्स, साइंटिफिक नेम्स ऑफ प्लांट्स आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया ऑफ आईसीडी। तो प्लांट्स का नाम वगैरह रखने के लिए, साइंटिफिक नेम रखने के लिए जो क्राइटेरिया यूज होता है वो तो किसका स्टैंडर्ड क्राइटेरिया और प्रिंसिपल्स होते हैं, आईसीडीएम के। ये पेपर में ना इनके फुल फॉर्म्स बहुत पूछ जाते हैं, तो फुल फॉर्म जरूर याद रखना, पेपर में पूछा जाता है, इवन नीट में भी पूछ लेते हैं कभी कभार कि आईसीडीएम की फुल फॉर्म क्या है। आईसीडीएम की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, और ये क्या करता है, ये एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया प्रिंसिपल स्टेबलाइज करता है जिसके बेसिस पर क्या करते हैं, किसी भी प्लांट का क्या होता है, साइंटिफिक नेम रखा जाता है। ऐसे ही एनिमल्स के लिए, एनिमल्स के नाम को जूलॉजिकल नेम भी बोलते हैं, और एनिमल्स का नाम रखने के लिए क्या स्टेबलाइज किया गया, आईसीजीएन, और उसके फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो इसमें क्या होता है कि एनिमल्स के लिए आईसीजेड यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर क्राइटेरिया प्रिंसिपल्स स्टेबलाइज करता है, जिसके बेसिस पर क्या करते हैं, ये साइंटिफिक नेम रख सकते हैं किसी भी एनिमल्स का। 1773 एक स्वेडिश बॉटनिस्ट थे द कार्लस लिनियस, ये एक साइंटिस्ट थे कार्लस लिनियस, ही प्रपोज अ सिस्टम फॉर प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम टू द ऑर्गेनिज्म। तो साइंटिफिक नेम का जो ये प्रपोजल था, ये किसने दिया था, कार्लस लिनियस ने दिया था, 1773 में दिया था, ठीक है। कार्लस लिनियस फॉर्मुलेटेड हिज सिस्टम ऑफ बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर, व्हाट इज इट, बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर इन हिज बुक स्पेशियस प्लांटेरा। इसने मतलब इन साइंटिस्ट ने अपनी बुक स्पेशियस प्लांटेरा उसमें क्या करा था, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का पूरा बताया था कि किस तरीके से बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर करना है, क्या क्या होता है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है। इतना समझ में आ गया कि कार्लस लिनियस ने 1773 में क्या बताया था, साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करने का सिस्टम बताया था टू द ऑर्गेनिज्म, और अपनी स्पीशीज प्लांटेरम बुक में भी उन्होंने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया। तो अब हम पढ़ते हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में। ओके, तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है, हम ये पढ़ते हैं। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर
एक्चुअली क्या होता है, द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग नेम विद टू कॉम्पोनेंट्स। बायनॉमियल नॉमिनेचर क्या होता है, सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग नेम विद टू कॉम्पोनेंट्स। वो नाम, वो सिस्टम जो नाम प्रोवाइड करता है और जिस नाम में दो कॉम्पोनेंट होते हैं, दिस इज नोन एज बायनॉमियल नॉमिनेचर। और अभी मैंने पहले बताया था कि बायनॉमियल नॉमिनेचर किसने दिया था, अभी भी बताया, कैरोलस लीनियस ने। किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बायनॉमियल नॉमिनेचर इस साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ टू कॉम्पोनेंट। बायनॉमियल नॉमिनेचर के अकॉर्डिंग हर एक साइंटिफिक जो नेम्स होते हैं उनमें दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, एक होता है जेनेरिक नेम, एक होता है स्पेसिफिक एंटिटी। ये हमने पढ़ लिया, अब हम इसको ना थोड़ा एग्जांपल से अच्छे से समझेंगे। जैसे सबसे पहले जो मैंने आपको एग्जांपल दिया मैं उसी से लेकर चलती हूँ। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था प्याज का, अनियन का, कांदा का, ठीक है। तो प्याज यानी कि अनियन, अनियन का मैंने आपको साइंटिफिक नेम बताया था, अनियन का साइंटिफिक नेम बताया था मैंने एरियम, क्या ये बताया था, देखिए ये बताया था मैंने। तो जो भी कोई भी साइंटिफिक नेम में जो आगे वाला वर्ड होता है, जो आगे वाला वर्ड होता है वो उसका जेनेरिक नेम होता है, जो उसके जीनस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो क्या होता है, जेनेरिक नेम होता है जो किसको रिप्रेजेंट करता है, उसके जीनस को। ये तो ये किसको, ये जेनेरिक नेम है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस। और ये जो लास्ट वाला वर्ड होता है, जो लास्ट में लिखा होता है वो होता है स्पेसिफिक एपिथेट, और ये रिप्रेजेंट करता है स्पीशीज को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीशीज को। और एग्जांपल लीजिए, जैसे मैंगो, मैंगो का होता है मैंजीफेरा इंडिका। तो ये क्या हो गया इसका जेनेरिक नेम, और ये क्या हो गया इसका स्पेसिफिक एपिथेट। और ले लेते हैं वीट का, लेते हैं वीट का ट्राइटिकम एस्टिवम, ठीक है। तो ट्राइटिकम एस्टिवम ये इसका क्या हो गया जेनेरिक नेम, ये इसका हो गया स्पेसिफिक एपिथेट। ये जेनेरिक नेम जीनस को रिप्रेजेंट करता है, स्पेसिफिक एपिथेट स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये जीनस स्पीशीज में आगे आगे आपको सब कुछ समझाऊंगी, ओके। सो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर आपको समझ में आया। कुछ रूल्स होते हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर लिखने के, ठीक है। जिस तरीके से मतलब बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर को रिप्रेजेंट करने के कुछ रूल्स होते हैं तो वो पढ़ते हैं। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर अभी हमने पढ़ा किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने, ठीक है। और बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में क्या होता है, दो नेम होते हैं, पहले वाला जेनेरिक नेम होता है और दूसरे वाला क्या होता है, स्पेसिफिक एपिथेट। अब कुछ रूल्स हैं इसको रिप्रेजेंट करने के, वो देखते हैं। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स, ठीक है। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम द लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। कहीं से भी साइंटिफिक नेम ओरिजिनेट हुए हो, कुछ भी हुआ हो, बट उनको किसमें लिखा जाए, किसमें होते हैं वो लैटिन में होते हैं। किसमें होते हैं, लैटिन में होते हैं। और जब उनको किसी बुक में छापा जाता है तो इटैलिक्स में छापा जाता है। अब तुम पूछोगे इटैलिक्स क्या होती है, वो देखा ना इस तरीके से एक अलग तरीके से लिखा जाता है, लाइक दिस, मतलब मैं हैंड हैंड का लिख दी तो तुम समझ, एक अलग फॉर्म होता है लिखने का, ओके। सो वो क्या होता है, इटैलिक्स। तो बुक्स में क्या होता है, इटैलिक्स में लिखा होता है, क्या साइंटिफिक नेम। अगला सेकंड पढ़ते हैं, द फर्स्ट वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस, मैंने आपको बता दिया था, एंड व्हाइल द अदर रिप्रेजेंट स्पीशीज और स्पेसिफिक एपिथेट। अभी मैंने बताया था आपको कि एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैंजीफेरा इंडिका का, किसका होता है मैंजीफेरा इंडिका, किसका होता है मैंगो, किसका होता है मैंगो का। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जीनस, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पेसिफिक एपिथेट। अब थर्ड आता है, बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम या फिर साइंटिफिक नेम वेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड। तुम देख रहे होगे, मैंने पिछले मतलब अभी पांच थोड़ी देर पहले जब मैंने तुम्हें बायोलॉजिकल नेम के बारे में बताया था, मतलब बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया था, उसमें एग्जांपल्स बताए थे, तो उसमें मैंने क्या करा था, सबको अंडरलाइन किया था, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे कोई नया एग्जांपल, ठीक है, कोई नया एग्जांपल हम ट्राई करते हैं। हम ले लेते हैं हाउस
हाउस टाइगर रहते हैं, इसका नाम होता है म्यूस्का डोमेस्टिका। क्या होता है? म्यूस्का डोमेस्टिका। तो मैंने ऐसे लिखा और इसको सेपरेटली अंडरलाइन किया। तो जब भी साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल नेम को हम हाथों से लिखते हैं, हैंड रिटन करते हैं, तब हम उनको क्या करते हैं? सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, तीसरा रूल। फोर्थ रूल क्या है? फर्स्ट वर्ड जो जीनस होता है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम कैपिटल लेटर, और जो दूसरा होता है वो स्मॉल लेटर। जैसे मैंने म्यूस्का डोमेस्टिका लिखा, देखो यहाँ पे जो जीनस है किससे स्टार्ट किया है? मैंने कैपिटल लेटर से, और ये जो स्पेसिफिक एपिथेलेट है इसको किससे रिप्रेजेंट किया है? स्मॉल लेटर से। तो एक फोर्थ और लास्ट रूल हमारा साइंटिफिक नेम का या फिर बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का ये होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल है, जैसे मैंगो का क्या होता है? मैंजीफेरा। ये लास्ट एग्जांपल है, देखो जो मैं बता रहा हूँ, मैंजीफेरा इंडिका। ओके, तो एम कैपिटल है और आई स्मॉल है, तो मैंजीफेरा इंडिका। इतना समझ में आया?